और जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी, मतलब ओवरऑल तैयारी मेरी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ मेरा हेयर स्टाइल रहता था जो कि मुझसे नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था। मैं बहुत थक गई थी, मेरे बाजू में बिल्कुल पेन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेहरान जो है उसको पसंद है ये वाला हेयर स्टाइल। तो मेहरान कह रहे थे कि आपने ये वाला हेयर स्टाइल बनाना है, जैसे भी बनाओ। तो जी फाइनली मुझे एक छोटी सी नेट मिली, वो मैंने बालों के अंदर एडजस्ट करके उसके ऊपर से जो है ना मैंने उसको पिनअप कर दिया। तो मैंने सोचा कि बस जैसा भी बन गया है अब ठीक है, बाकी की जो तैयारी है वो मेरी कम्प्लीट हो गई। हेयर स्टाइल में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ये देखिए जी फाइनली फाइनली मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो कि जल्दी जल्दी में बना है, पता नहीं कैसा बना है, ठीक ही बना होगा। तो ओवरऑल मेरी बिल्कुल तैयारी बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट थी। तो हेयर स्टाइल बनते ही बाकी की जो तैयारी थी वो भी मैंने दोबारा से फ्रेश कर ली, और इसके साथ ही मैंने अपने इयर रिंग्स जल्दी जल्दी पहन लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें वैसे भी जाने में काफ़ी टाइम लग गया था, देर हो गई थी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं रेडी हो चुकी हूँ, फाइनली फाइनली मेरा हेयर स्टाइल भी रेडी हो चुका है और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और जी इसके साथ मेहरान भी बिल्कुल तैयार हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी मैडम मैडम कुछ बता दो, आज पठानी बन गई है? आज मैडम पठानी बन गई है जी। मैं नहीं, आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो ड्रेस है ना, ये पठानी वाला ड्रेस है, यानी कि गधे पे काम वगैरह कुछ वगैरह यार ड्रेस ना भी पहनना ना, वैसे भी पठानी लगती हो यार। तो इसलिए कह रहे हैं कि ना पठानी वाला फुल ड्रेस तो है ना, अभी मैंने सूट नहीं पहना। ये देखें जी, ये ऐसे ये है रेड ब्लैक कलर में, फ्रंट कैम है ना। तो चले बैक करके दिखा देना। अभी आज ही हम जा रहे हैं किसी की तरफ, किसी के घर, तो वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है। मैंने कहा चले जाना है तो उनके घर जाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं। तो चले फिर मेहरान के पास है, वो जा रहे हैं जी हम एक्चुअली। तो जी फाइनली बता देते हैं, मेहरान का जो है ना भतीजा माशाल्लाह से पैदा हुआ है, वैसे तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी आपको जाना याद है, टाइम ही नहीं मिला यार। तो हम अपनी तैयारी में इतने बिजी थे कि हम जो है ना उनको देख नहीं जा सके, तो आज फाइनली हम उनकी तरफ जा रहे हैं। हाँ जी तो फिर चलें। हाँ जी चलें। एक मिनट मेरी लिपस्टिक रह गया, बोलो याद है ना? आज मेरा परफ्यूम रह गया। परफ्यूम रह गया इधर से आधा सा। देखें जी लिपस्टिक नहीं क्या है। चलो तो जी फाइनली हम लोग जो है उनके घर पहुंच चुके हैं, या आप उनका ड्रेस उनका सॉरी रूम देख सकते हैं और साथ साथ मेरा ड्रेस भी देख सकते हैं। ये देखिए इस पर जो है शीशों का काम हुआ हुआ है, जैसे कि पठानियाँ के फ्राक पर अक्सर आपने किया हुआ देखा होगा। तो जी इसके साथ ही उनका जो छोटा बच्चा था वो सो गया था, वरना मैंने उसको उठाकर ज़रूर उसके साथ वीडियो बनानी थी। तो जी इसके साथ ही उनका रूम आप देख सकते हैं जो कि बहुत प्यारा बना हुआ था। उनका फर्नीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और उनके भाई की अभी न्यू शादी हुई है, तो इस वजह से उनका फर्नीचर बहुत प्यारा लग रहा था। उनका रूम भी बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। तो ज़्यादा हमने स्टे नहीं किया, उसके बाद जी हम घर वापस आ गए। और जी घर वापस आते ही जो है ना ये देखें मेहरान जो है मेरे लिए गए अनार का जूस लेने। ये देखें हमारे पास अनार का जूस फ्रेश इस तरह से बनाया जाता है, कोई यहाँ पर मशीन बिजली से नहीं बल्कि हाथ से चलाई जाती है, और बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं अनार का जूस निकल रहा है। और शानू को भी पूछ रहे थे मेहरान के तुमने क्या खाना है, शानू इधर उधर देख रहा है और फरमाइशें शानू की जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो खाता कुछ नहीं है, बस फरमाइशें करता है। तो मेहरान ने शानू को अनार का जूस वहीं पर पिला दिया,
और जी मैं खुद भी पी लिया और जो पार्सल था वो मेरे भी घर भी ले आए। और आपको पता है अनार का जूस ऐसे बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिनको खून की कमी है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप अनार का जूस पिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और बच्चों को भी खिलाया करें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आई होप कि हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।